अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में आए हैं। इसको SMCHS भी कहा जाता है, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और ये FTC के ब्रिज से हम अभी नीचे उतरेंगे, आप देख लें, और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का इलाका आपको दिखाएंगे। तो ये है, अल्लाह आपका भला करें, FTC का ब्रिज, ठीक है। और ये हम नीचे उतरते हैं, जैसे उतरते हैं तो आपको शारा फैसल को थोड़ा सा टच करके हम लेफ्ट से साइड पे निकल जाएंगे। ये सामने FTC बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। ये देखें, और हम आगे जाएंगे। अपनी सारा कैसे स्टार्ट हो चुका है, आगे DRG है, बयाजी सेंटर है, और ये एमआरआ सूट जो अभी नया नया बना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा ऑटोमोटिव के नाम से बहुत बड़ा शोरूम बना हुआ है, एमआरआ सूट्स। ये सामने सिंधी मुस्लिम का इलाका है, आप देख सकते हैं। और इस वक्त हम अंदर जाएंगे, ये बयाजी सेंटर है, बयाज सेंटर, बिल्ला ट्रैक्टर, एटलस वगैरह। ये चेक करें, ये अंबर टावर से कॉर्नर में, और ये कबाबिस्ट रेस्टोरेंट जो अभी अभी रेनोवेट हुआ है और इस पर अभी काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको रेनोवेट किया हुआ है। हम जाएंगे, ये अलनूर का हेड ऑफिस है, आप देख सकते हैं। और ये है कबाबिस्ट, राइट साइड पे आप चेक करें, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे फिर अंदर आएंगे। तो ये ओल्ड एरिया है SMCHS का, और यहाँ पर ये 1950s में और 60s में ये इलाका डेवलप हुआ था। ये अगर आप देख सकते हैं जिस तरह पुराने तर्ज के बनाए हैं, पुराना आर्किटेक्चर है ये। ये घर चेक करें, खुले डुले घर हैं यहाँ पे, और रेजिडेंशियल एरिया था, अब भी रेजिडेंशियल है, लेकिन यहाँ कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती है इस तरह के। ये रोड यहाँ पर इस पैचेस बने हुए, पूरा रोड नहीं बनाया इन लोगों ने। और ये शाहब्दुल लतीफ स्कूल है, बहुत ही पुराना, 1950s में ये बना हुआ था स्कूल। और ये अल्ताफ भाई के गुलिस्तान शाहब्दुल लतीफ स्कूल है। और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, ये सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर कुछ ठेले वाले रिक्शे वाले भी खड़े। और सामने जो है एबिसिनिया कॉलोनी है, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, बल्कि आगे वाली गली से लेफ्ट जाएंगे और इस गली में से वापस आएंगे फिर। और एक कॉर्नर में एक छोटा सा प्लॉट बना हुआ है, वहाँ से भी जा सकते हैं। और ये खूबसूरत एक घर बना हुआ है, ओल्ड आर्किटेक्ट, नाइस आर्किटेक्ट। हाँ, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, और ये जो सामने है KMC हाउसिंग सोसाइटी है, KMC के क्वार्टर्स भी इसको कहते हैं। और ये छोटा सा एक पार्क बना हुआ है यहाँ पर, लोग शाम में आके यहाँ पर वॉक करते हैं। और ये SMCHS, ये 9 ब्लॉक ए है, और ये किसी चीज़ का ये गवर्नमेंट ऑफिस लग रहा है। और ये घर अभी नया रेनोवेट हो रहा है, ये 1950s में ये घर बने थे, 60s में, 70s में, फिर यहाँ से बहुत सारे लोग मूव कर गए। या पुराने गेट्स देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, किसी ने यहाँ पर घर ख़रीद के दोबारा रेनोवेट किए, और किसी ने, ये मेन शारा फैसल पर ये इलाका है, SMCHS, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और ये रोड ख़राब है, ये वाली गली स्पेशली ख़राब है, बाकी गलियों में भी काम किया है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। बारिश हो जाएगी, वो सारे पैचेस जो रिपेयर किए हुए वो सब ख़राब हो जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, और ये एक घर आप कॉर्नर वाले चेक करें, जिसको अबंडन किया हुआ है किसी ने, ये पुराना बंगलो है किसी सेठ का। ये गाड़ियाँ चेक करें, ये एक शेराट खड़ी है और पुरानी मर्सिडीज़, किसी ने अबंडन किया हुआ। ये घर चेक करें, ये भी अबंडन किया हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे घरों में लोगों ने फिर क्या किया, और बाद में ऑफिसेज बनाए हुए हैं, किसी ने
ये चेक करें आप, पुराने विंडोज़ और छतें, दीवारें, और ये रस्टेड विंटेज टाइप के ये गेट्स हैं। और आप ये देखें, किसी ने रेनोवेट किया हुआ है, कोई रह रहा है, किसी ने अबेंडन किया हुआ है, कोई डिफेंस में चले गए, कोई DHA वगैरह में चले गए। और ये दरख्त आप देख सकते हैं बहुत पुराने हैं, पुराने दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, ओल्ड एज, और ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, आगे जाके हम आपको इसी ब्लॉग में एक यहाँ जो एक फूड स्ट्रीट है, सिंधी मुस्लिम फूड स्ट्रीट है, वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि जो काफ़ी मशहूर है कराची में, बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट वहाँ पर है। और ये सामने बकाई इंस्टीट्यूट है सामने, और ये हम यहाँ से राइट जाएंगे, बल्कि आगे सीधा जाएंगे, ये भी सिंधी मुस्लिम है, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, बकाई इंस्टीट्यूट आपको दिखाया। और ये अगर चेक करें, ये S9A, ये ए ब्लॉक में है, इसका दूसरा ब्लॉक शाहरा फैसल के बैक साइड पे, दूसरे से अपोजिट साइड पे है, तो वो बी ब्लॉक है, और ये ए ब्लॉक में है इस वक्त हम। और ये खाली प्लॉट भी है जिस पे घर बना हुआ था लेकिन गिरा दिया गया। ये घर चेक करें, ये पुराना जो पुराने ज़माने का आर्किटेक्ट होता था, चेक करें, यहाँ से लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट सीधा भी जा सकते हैं। ये स्पीड ब्रेकर जो बने हैं बड़े खतरनाक किस्म के, ये नीम का दरख्त चेक करें, बहुत पुराना, कोई 50-60 साल पुराना, जिसके आप तने से पता कर सकते हैं। ये घर चेक करें, पुराना, पुराने तर्ज का बना हुआ है, ओल्ड आर्किटेक्ट। यहाँ पर मस्जिद भी है, गाजी मोहम्मद बिन कासिम। और हम जैसे ही जाएंगे, राइट से जाएंगे, और फिर आपको ये चेक करें जी, ये सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, राइट से जाएंगे, ये पुराने तर्ज के घर बने हुए। कराची को जमात इस्लामी भी यहाँ पर है, PPP है, किसी ज़माने में MQM भी होता था, तो आप चेक कर सकते हैं। ये बड़ा गलियाँ यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस है, स्ट्रीट्स जो हैं, और इसके साथ आगे जाके PECHS का इलाका लगता है। ये घर चेक करें, खूबसूरत उस ज़माने के लिहाज से, और किसी ज़माने में यहाँ पे शोरूम हुआ करता था, ख़त्म हो गया है। और ये इस वक्त हम ये आ चुके हैं, सीधा लेफ्ट जाएंगे, फिर यहीं से यू टर्न लेके वापस आपको सिंधी मुस्लिम का जो फूड स्ट्रीट है, जहाँ पर बैम्बू और मुख्तलिफ येलो टैक्सी और इस तरह के जो बने हैं, ये राइट साइड पे फूड स्ट्रीट है, हम लेफ्ट से जाएंगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे, सिग्नल खुला हुआ है, हम जल्दी करेंगे। ये UPL का मेन जो ब्रांच है, और आगे सामने तारिक रोड है, ये W11। यू टर्न लेके हम सीधा जी, यहाँ पर AR भाई ज्वेलर्स, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बने हुए। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, ये बैम्बू स्टिक्स, ये फूड स्ट्रीट है सिंधी मुस्लिम का, यहाँ पर हाई एंड रेस्टोरेंट है, बैंक्स हैं यहाँ पर, जिम है, और ये आप चेक कर सकते हैं, शाम के टाइम बड़ा रश रहता है, ये मॉडर्न जिम है, चार्ली ट्रेड टावर, विंटेज के नाम से ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जिन्सो है, ग्लोरिया जीन्स, बर्गर क्लॉक आप देख सकते हैं, और ये विंटेज, और मैक्सिकन ग्रिल है, बाबा बबल, बोबा बबल, न्यूयॉर्क कॉफ़ी और बर्गर लैब, बॉबी शेफर फिटनेस डेपो है, बिरयानी सेंटर हान कोयटा, और पिज़्ज़ा नेशन फूड्स इन अलहाज बंदुहान, जो मशहूर है ज़माना। और हम यहाँ से अब ये इलाका आपको दिखाएंगे, ये भी सिंधी मुस्लिम का इलाका है, सीधा
आएंगे, गली में से वापस आएंगे, ये सिज़लर्स और ऑज़ी बर्गर्स, और आगे जाके यहाँ पर हॉट एंड पेपर, हॉट एंड स्पाइसी भी यहाँ पर है लेकिन इस वक्त बंद है। सिंधी मुस्लिम का ये इलाका है, ये ए ब्लॉक में है, और ये बीकन हाउस सिस्टम है। यहाँ पर स्कूल है ग्रेड 1 से 5 तक है यहाँ पे, और भी यहाँ पे बंगलोज आप देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म के बंगलोज हैं। और हम यहाँ से राइट जाएंगे मेहदी टावर की तरफ, तो वहाँ पर हम व्लॉग को फिर एंड भी करेंगे। यहाँ से राइट जाएंगे, ये ग़ुलाम अली मेमन रोड है, ये आप चेक करें, ये सिंधी मुस्लिम का इलाका जो कि बड़ा खूबसूरत। और ये ग़ुलाम अली मेमन रोड, ये घर तोड़ के दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर पुराने घर हैं, 50s में 60s में यहाँ पर लोग आके आबाद हुए थे, और बाद में यहाँ से लोग BHA में बड़े बड़े दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये इलाका काफ़ी पुराना हो गया था और थोड़ा सा अनसेफ भी है एज़ कम्पेयर टू BHA। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं रह सकते हैं, रेंट भी यहाँ पर वही सेम है तकरीबन DHA वाला, कोई 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा लेकिन है तकरीबन सेम। यहाँ पर ये ओरिएंट का ऑफिस है, और यहाँ से अंदर जाएंगे MCB बैंक, यहाँ पर ये CDC हाउस, ये मेहदी टावर है, ये यहाँ पर ऑफिसेज बने हुए, और यहाँ से हम आपको यहाँ पर एंड करेंगे। आखिर में आपको एक वो दिखाएंगे, मस्जिद दिखाएंगे, ये है, ये क्या है, बुखारी कैफे, बड़ा शानदार। ये ADCL का कॉर्पोरेट ऑफिस है, ADCL ऑनरेरी कंसुलेट ऑफ द, और यहाँ पर ये जो बंगलो है जिस सेठ का, इसी ने ये मस्जिद की ज़मीन वक्फ की थी, ये है मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद, जो 1960s की ये कंस्ट्रक्शन है, और बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, और खूबसूरत अंबर टावर्स हैं यहाँ पर। आगे जाके महमूद कैफे, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त अंबर टावर्स है, रेजिडेंशियल टावर्स हैं यहाँ पर, और सामने आप देख सकते हैं अल नूर लासानी, जो कि बड़ा, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे निकलेंगे, ये है अल नूर लासानी की बिल्डिंग, और कबाब इस पर वापस आ गए। और ये वीनस कारपेट इन है, इसके साथ साथ हम ये शारा फैसल से जाएंगे, और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये मेन शारा फैसल का इलाका था सिंधी मुस्लिम, और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये सिंधी मुस्लिम का ही इलाका है, लेकिन ये बी ब्लॉक है, हमने ए ब्लॉक चेक देखा है आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और टिल देन हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, बाय।